पानीपत में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मतलौड़ा क्षेत्र में मारपीट और लूट के बाद तीन महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के आरोप पकड़े भी नहीं गए, तो वहीं दूसरी ओर अब मतलौड़ा क्षेत्र में बेखौफ बदमाश ने एक और बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने मतलौड़ा में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर महिला के गहने लूटे और अलमारी में रखे गहने और नकदी भी लूट कर फरार हो गए। बदमाश आते समय महिला और बच्चों को बाथरूम में बंद करके भाग गए। पता नहीं अगर जिन्होंने अकेली थी उस बहाने से गेट खुलवा लिया और अंदर आकर चाकू लगा दिया उसके कनपटी पे, और कुछ जेवरात थे लूट के चले गए। हम जा रहे थे घर गांव में। कौन से गांव जी? ऊंटला। अच्छा, ऊंटला। चाकू किसको? महिला को? बच्चे को। कितने साल का बच्चा था जी? बच्चे 3.5 साल का करीब है। क्या नाम है जी बच्चे? भाविक। और उनकी मम्मी का? सरिता। ठीक। अच्छा, कितना क्या नुकसान हुआ, क्या क्या लेके गए जी? नुकसान अभी सोने के आभूषण है, कुछ कैश था 1.5 लाख के करीब और 5-6 तोड़े सोना। अंगूरी ने बताया कि उनकी पुत्रवधु कमरे में ही थी और घर का काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब वो गेट पर पहुंची तो बाहर खड़े एक युवक ने कहा कि उसको टूटी ठीक करने के लिए बुलाया था। उसकी पुत्रवधु सरिता ने दरवाजा खोल दिया। युवक ने मुंह पर गमछा ढक रखा था। अंदर आते ही उसने अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहन लिए और चाकू निकाल कर पास में खड़े उसके 3 साल के बेटे गर्वित की गर्दन पर चाकू रख दिया। गिल्ला फोन कोस लिया, उन्हें गिल्ला चक्कू काट लिया, एक गोद जिन फोन का लेख में चक्कू काट लिया, छोरे की बाँ पकड़ ली। नहीं बोला तन छोरा प्यारा आकर के चीज है या गले की दे काट कर, या बोली काट ले ना आप काट, मैं तेरे कान पाट दूंगा। इन्हें काट कर दे दी। फिर बोला बुक्कर खोल, अब कुछ नहीं मेरे गले में, खोल ले ले। फिर गले की काट ली। फिर नहीं बोले अलमारी बताया, नहीं बोली नून चला जा, नून हमारी अलमारी, नून को नहीं यार अलमारी बता ताली। छोरे की बाँ पकड़ कर थोड़ा थोड़ा ला दिया या बार कर ली। इना बना ताली टोक है, ताली बन पाई तो ताली नहीं, छोरे चक्कू उड़ा दिया, ले नंडर दिन ताली देती टूम भी दी थी। अच्छा, कैश भी लेके गए? हाँ जी। कितना था जी? हमने पता जी इसके हाथ में देखी थी 2 गद्दियों बुड्ढे ने बेरा हुआ। मैं बोला पैसे भी हैं, पैसे दे कर छोरे चक्कू लाऊं। ले ना पकड़ कर वहाँ बाथरूम में रोक कर ले मारू मार गा। इतने बात करी ना तो इतनी बार मैं कुछ नहीं। कितने 5-6 मिनट में? हाँ। आप लोग कहाँ गए हुए थे? गांव में। गांव में गए हुए थे? हमारे घर तो फोन गया, हमने तो कुछ से आई पाई। एक पड़ोसन तक आ गई, दीवार रोटी खान चढ़ गई, इतनी बार मैं कर दिया तेने ऊपर का रोटी खा के नीचे चल पड़ोसन। क्या लगता है कोई आसपास का जानकारी हो सकता है? जानकारी तो जी सुनार नहीं, जो पता जिसको बोल के गए थे वो थे। अच्छा, अभी हमारे घर आ रही है खा रूंगी, वह रोटी खान चली गई, वो तो इतनी बार में आ गया, ने सोची कोई इनका रिश्तेदार चा पी गई। बदमाश ने अलमारी में रखी सोने की लगभग 5 तोले ज्वेलरी और लगभग 1.5 लाख रुपए नकदी निकाल दी। बदमाश ने वहां पर रखी चांदी की ज्वेलरी को छुआ तक भी नहीं। लूट का पूरा मामला लगभग 12 दिन पहले गांव मतलौड़ा क्षेत्र में हुए लूट के मामले से मिलता जुलता है। वहां पर भी परिवार के बच्चों की गर्दन पर चाकू रख कर परिवार को बंधक बनाया गया था और लूट की थी। यहां पर भी बदमाश ने बच्चों की गर्दन पर चाकू रख कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबीन कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब के सुटी वी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।